किलोमीटर पहले हम रुक गए, दो लोग थे हम रुक गए। मैंने हम कहाँ से आ गए, गढ़वाल से कुमाऊं मंडल में आ गए, इतनी दूर आ गए, हम ज्वाइनिंग ले ना ले। मैंने अपने साथी को कहा, मैंने कहा हम वापस जाते हैं, चाहे हमारे दो साल बाद नंबर आएगा, हम उत्तरकाशी में ज्वाइनिंग लेंगे या टिहरी में ज्वाइनिंग लेंगे, इतनी दूर आए। मैंने कहा हम हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएंगे, क्या पता ट्रांसफर होता ही नहीं होता। उस समय उत्तराखंड भी बनने वाला था, उस समय उत्तर प्रदेश ही था। उन्होंने कहा, फिर थोड़ी देर हम बैठे आधा घंटा एक घंटा कि भाई साहब हम करते करते ज्वाइनिंग ले लेते हैं, ठीक है। फिर हमने वहाँ जो है ज्वाइनिंग लिया और 5 साल 6 साल की मेरी वहाँ सेवाएं रही। उसके बाद मैं ट्रांसफर होके जो है उत्तरकाशी आया, तो उत्तरकाशी मुझे पता नहीं था कि गडोली कौन सी जगह है, बंचोरा कहाँ है, ये मुझे पता नहीं। तो मेरे को जो है वहाँ ऑफिस में श्यामलाल चमोली जी बनारी के, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा भाई साहब आप गडोली जाओ, मैं गारंटी देता हूँ एकदम रोड पे। मेरे को पहले चलने में थोड़ा दिक्कत थी, मैंने कहा ऐसा ना हो कहीं पैदल जाना पड़े, मैंने गडोली देख नहीं रखा, बंचोरा देख नहीं रखा। तो उन्होंने चमोली जी ने कहा कि भाई साहब आप जो है गडोली में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सड़क पे ही स्कूल है और वहाँ हमारे सारे रिश्तेदार है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं अपना छोटा भाई समझ के, और आप निश्चिंत होके वहाँ जाओ। और मैंने देख नहीं रखा था, तो मैंने ऑफिस वालों को कहा कि आदेश बनाऊंगा गडोली का आदेश, उन्होंने मेरा जो है गडोली का आदेश बनाया। उसके बाद मैं आया दीवारी खोल तक, सुबह 10 बजे दीवारी खोल पहुंचा। उसके बाद कोई गाड़ी नहीं थी, फिर मैं रास्ता पूछते हुए पैदल आते हुए और गरज से होते हुए यहाँ आया, स्कूल में आया, यहाँ इंटरवल हो रखा था। तो उसके बाद गोटी लोग कमरे पे जा रखे थे, आए फिर ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग हुई। तो कहने का मतलब ये है कि और उसके बाद आप लोगों का प्यार इतना मिला कि 20 साल कब गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। इतना अच्छा मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर में आ गया, जो जगह मैंने देख नहीं रखी थी पहले, जानता नहीं था उस जगह को, उस जगह में जब मैंने यहाँ रहा, कार्य किया, आप लोगों के साथ रहा, आप लोगों का प्यार मोहब्बत मिला, तो तब मुझे जो है पता ही नहीं चला कि मैं जो हूँ कहीं बाहर हूँ, ऐसा लगा कि मैं अपने ही घर में हूँ। पर अभी भी जो है मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यकीन नहीं हो रहा कि मेरा ट्रांसफर हुआ, क्योंकि सडन नहीं हो गया। ये 20 जुलाई की बात है जब हम लोगों की काउंसलिंग थी, हम उत्तरकाशी गए ट्रांसफर के चक्कर में, अनिवार्य ट्रांसफर, सबको बुला रखा था। तो वहाँ इनकी और मेरी मुलाकात हुई, वैसे तो पहले से हो रखी थी मुलाकात, 20 साल पहले से मुलाकात हो रखी थी, तो इनकी मेरी ट्रांसफर हुई। अरे मैंने कहा भाई साहब पवार जी आप कहाँ पड़े हुए इतने सालों से, इतने साल आप नौगांव रहे, मैंने कहा आप वहाँ चले गए उड़ियाल, उधर चले गए धोत्री की तरफ चले, मैंने घर की तरफ आओ। इन्होंने कहा भाई साहब कोई मिल ही रहा, मैंने कहा मैं कैसा हूँ, मजाक ही मजाक में, ऐसा सीरियस मूड भी नहीं था, मजाक ही मजाक में, मैंने कहा मैं कैसा हूँ। इन्होंने कहा अच्छा, और ये गए और इन्होंने कागज लिया है। अरे मैंने रुक जाओ अभी थोड़े कुछ दिन रुक जाओ अभी, मैंने कहा मैं तो ऐसे मजाक ही में कह रहा हूँ, अभी रुक जाओ कुछ दिन। तो उसके बाद जो है फिर आए ये लोग, हम शाम को कमरे पे आ रहे हैं, मैंने कहा ठीक है आ जाओ कमरे पे आओ, ये लोग आ गए कमरे पे, आ गए कागज वगज लेके, मैंने साइन कर दिया। अब मैंने कहा होता है नहीं होता, मैं तो 20 साल हो गए, होता है भी कि नहीं होता है, ऐसी मजाक में। और तुरंत 22 या 24 तारीख को यहाँ आए और 29 तारीख हमारी लिस्ट में, जब मैंने लिस्ट में नाम देखा तब मुझे पता था, इन्हीं होने जरूर पता है, फोन कर रहे हैं लिस्ट में नाम दिया, ये हमारा ट्रांसफर तब मुझे, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने बच्चों को भी नहीं सुनाई, आधा चैप्टर पढ़ा रहा था मैं, आधा रह गया था। मैंने कहा मैं ट्रांसफर की बात कहूंगा तो ये भी भावुक हो जाएगी, मैंने कहा पहले इस चैप्टर को पूरा कर लो, ये कक्षा 8 में था मैं, मैंने कहा इसको पार्ट को पहले पूरा कर लो उसके बाद बताऊंगा। तो ऐसा अचानक ही हुआ, अब ज्यादा क्या कहूंगा, तो बहुत अच्छा रहा, लगा यार आप लोगों का प्यार लगा ही नहीं कि मैं अभी कोई ऐसा लग रहा हूँ कि यार सारा पूरा क्षेत्र हो, चाहे बनारी हो, गर्त हो, कुछ हो, गडोली हो, प्रत्येक लोगों का इतना प्यार मिला, 20 साल का नहीं कर सकता गुजर गए, ना किसी से बिल्कुल कहीं पूछ ली, ना लेना है, बिल्कुल ऐसे लग रही सारा अपने परिवार मुझे बिल्कुल वहाँ, बल्कि मुझे कम जानते क्योंकि मैं गाँव में भी कम था। मैं ये भी बता दूँ आप, मैं कक्षा 5 तक गाँव में पढ़ा अपने, उसके बाद मैं दिल्ली चले गया और मेरी पढ़ाई लिखाई वही हुई दिल्ली में। उसके बाद जब नौकरी लगी तब आया मैं, तब आया दिल्ली, ये तो मैं दिल्ली चले गया, हमारे भाई लोग भी वही रहते हैं, पिताजी वही रहते थे, तो मैं 5वीं के बाद मेरी पढ़ाई दिल्ली में ही हुई और उसके बाद जब सर्विस लगी तब मैं इधर आया गढ़वाल के। तो उस क्षेत्र में भी मुझे बहुत कम लोग जानते, यहाँ लोग ज्यादा जानते बल्कि वहां कम जानते, क्योंकि मैं भारी रहा अक्सर और उसके बाद सर्विस में रहा,
तो फिर इधर उधर ही रहा, कभी नैनीताल रहा, कभी इधर रहा। अब ऋषिकेश में भी जो है घर है, लेकिन वहां भी मुझे कम जानते हैं। लोग बोलते हैं यार शादी ब्याह में दिखता नहीं है, आता नहीं है, तू ही नौकरी कर रहा और नहीं करते कोई नौकरी, वहां भी मुझे कम जानते। तो इसलिए ये है कि कभी कभी जाना होता है वहां, महीने में एक दो दिन गए और उसके बाद आ गए। तो इतना अच्छा सफर रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने इतना मुझे प्यार और मोहब्बत और सम्मान दिया, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और आपकी भी और सब की कामना करता हूँ इन्हीं सब लोगों के साथ।